हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सोमवार और अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं शाम के। पहले मैं इन्नू को दिखा देती हूँ। सभी को बुला रही है इन्नू, आ जाओ आ जाओ जाओ। क्या कहना चाह रही है इन्नू? कंफ्यूज कर रही है इन्नू, क्या बोल रही हो? ये ची है पापा, कहना पापा पापा पापा। पापा बोल के बताओ इन्नू, पापा बोल लेती है, बोलो पापा। फैन बंद हो गया, गई लाइट, गई ओ गई। पापा के पापा पापा मुंह खोल के क्यों बताती है सबको अपना? बस ठीक है, लाओ। तो ये थे इन्नू और इन्नू की बातें। जब अकेले में होती हैं तो इन्नू काफी सारी बातें करती है, और अभी जो है बस ऐसे ही। अगर मैं बात करनी, मेरे साथ बस यही होता है, अगर इनाया आलिया अच्छे से खेल रही होंगी ना, और मैं सोचूंगी चलो लाओ शूट कर लेती हूँ वीडियो बनवा लो, तो फिर फटाक से छोड़ देंगी सब कुछ और शांत होकर बैठ जाएंगी। तो अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो अभी देखो इन्नू जब मैं आगे अकेली छोड़ूंगी ना, तो खूब सारी बातें करेगी, पापा बोलेगी, सब कुछ बोलेगी। और अभी मैं जब बोल रही हूँ ना कि बोलो, तो कुछ नहीं बोले। बच्चे ऐसे होते हैं, अपने मन मर्जी जो कुछ करना होता है वो करते हैं। तो चलो फिलहाल मैं बता देती हूँ क्यों इतना तैयार होकर बैठी हूँ। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आप लोगों को पता हो, कल मतलब जो आज वाला ब्लॉग था उससे पहले जो कल परसों वाला ब्लॉग आया था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरे व्यूज क्यों कम आ रहे हैं। तो काफी सारे ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे, मतलब मैं ऐसा क्या करूं वीडियो में कि मेरे व्यूज जो है पहले जैसे आने लगे, तो मैंने ये पूछा था। तो काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो है तरीके बताए कि मैं इस तरीके से अपनी वीडियो नए तरीके से बनाऊं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और मेरी जो क्या गलतियां हो रही है मुझसे, तो सारी गलतियां मतलब, तो अच्छा लगता है ऐसे अगर हम आपस में जो है बात डिस्कस कर लेते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे अपना समझ के सब कुछ क्लियरली बताया, कि आप लोगों ने क्लियर बता दिया कि आप ऐसा करो तो ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा कर दो तो काफी सारे आइडियाज भी दिए हैं मुझे कि आप इस तरीके से वीडियो बनाओ। तो फिलहाल मैंने जो है शॉपिंग वगैरह भी छोड़ दी थी, क्योंकि तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं शॉपिंग करूं। तो काफी सारे लोगों ने जो है बोला था कि आप शॉपिंग करो, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं शॉपिंग किस चीज की करूं। तो इससे पहले जो मेरे कमेंट आए थे, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि बेड शीट चेंज करो क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो वाली बेड शीट है ना, ये जो आप बिछी देखते हैं, ये मेरी शादी के टाइम की है, तो मुझे ये पसंद है, तो इसीलिए। और फिर रहता है ना कि जो हमारे शादी से रिलेटेड चीज रहती है ना, तो वो हमें ज्यादा खास लगती है, तो मैं ज्यादातर जो है इसको ही यूज करती हूँ। तो और फिर बहुत सारी जो बेडशीट है जो मम्मी पापा ने जो है बहुत सारी एक साथ लेकर रख ली थी, तो मैं उन्हीं को यूज करती रहती हूँ। ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है मुझे कि मैं अलग से, लेकिन फिर मैं भी सोचती थी कि हाँ एक जैसी चीज बिछा बिछा कर जो है मैं भी बोर हो रही थी, तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन फिर मैं आलस कर जाती कि चलो रहने दो, बिछा रही तो है ठीक है। लेकिन काफी सारे व्यूअर्स ने बोला था कि तुम बेडशीट चेंज करो, बेडशीट लेकर आओ, इतनी सारी शॉपिंग करती हो, ये शॉपिंग करा करो। तो फिर मुझे मतलब ये वाली बात याद आई, तो मैंने सोचा चलो ये वाली शॉपिंग कर सकते हैं, बेडशीट ला सकते हैं। तो काफी सारे व्यूअर्स ने जो है बोला था कि तुम डब्बे उठाते हो, हर चीज के अलग अलग डब्बे उठाते हो और परेशान होती हो, तो इससे अच्छा एक मसालदानी जो है
लेकर आ। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मसालदानी जब मैं मेरे साथ हुई थी ना, तो मम्मी जो है मसालदानी ही यूज करती थी, स्टील की मसालदानी थी, तो मैंने ही खुद से उठाई थी। क्योंकि होता यूँ था कि उठाने करने में जो है मसाले मिक्स हो जाते थे अक्सर, ऐसा होता था। तो फिर इसलिए मैंने एक दिन गुस्से में उठा दी थी, मैंने कि चलो डब्बे से ही काम चलाते। लेकिन फिर अब आप लोग बोलते हैं तो मुझे भी मतलब ऐसा लगता है, हाँ सही है, ये डिब्बा उठाओ वो डब्बा उठाओ, जगह जगह मतलब काफी सारी चीजों की जरूरत रहती है। और फिर अब वीडियोज वगैरह बनाते हैं तो कैमरा भी लगा रहता है, तो वो भी दिक्कत देता है, बीच में अड़ जाता है, तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा चलो एक ये चीज हो गई। हाँ मैम। और आज की ये वीडियो भी मेरी इसी तरीके से रहेगी कि आप लोगों के कमेंट्स है उन्हीं को मैं पूरा कर रही हूँ कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, ये तो आप लोगों का ही, आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया था। और ती दो चीजें जो आप लोगों के कहने पर ही मैं ला रही हूँ, बेडशीट है और मसालदानी है। तो अभी चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन ही दिन में उजाले में ही शॉपिंग कर लाऊँ, क्योंकि सुबह से ही सोच रही थी कि मैं मतलब जल्दी चली जाऊंगी। लेकिन हुआ यूँ कि आज मेरे बाजी के बच्चे आ गए थे, जो हमारी बीच वाली बाजी है ना, सपना बाजी, उनके बच्चे आ गए अर्शिल शान। तो फिर जो है खाना आज हमारे दोबारा से बनाया, क्योंकि सुबह बुलबुल ने बैगन आलू की सब्जी और रोटी बना ली थी, फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे। फिर बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, तो उनने बोला कि हमें बिरयानी खानी है बड़ी मुआनी के हाथ। तो फिर मैंने जो है जर्दा बिरयानी बनाई, तो वो मैंने जो है 1:30 बजे से बनाना शुरू किया, और जो है मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही इन चीज़ों में, तो बस इसीलिए टाइम हो गया। और अभी 4 बज गए हैं, तो बस चलते हैं मार्केट, 4:15 हो गए, आप लोग खाना खा लो और इन्नू की बात भी सुन लो। इन्नू क्या बोलना चाहती है, इन्नू क्या बोलना चाहती है, कर दो, बाय बाय जाए जाए जाए, बाय कर दो, बाय ऐ बाय कर दो, बाय नहीं करोगी।
अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और मैं आ गई थी मार्केट से 7:30 बजे घर पे। तो बस नीचे हम लोग बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, और जो मैं सामान लेकर आई थी तो वो मैं दिखा रही थी मम्मी को और बुलबुल भैया को। तो बस अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कहने पर ही मैं आज ये शॉपिंग करके आई हूँ। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि नहीं थे ये सारे सामान जो मैं लेकर आई हूँ। और गई थी बेड शीट लेने के लिए, लेकिन फिर जो है ऐसा होता है अक्सर कि अगर हम एक चीज़ लेने जाते हैं ना, तो फिर हमें वहाँ पर और सामान दिख जाता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है। और जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ वो उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने फिर जो है और चीज़ों की भी शॉपिंग की है वहाँ से, तो मैं दिखाती हूँ। और मैंने जो है मसालेदानी भी लेकर आई हूँ, ये तो ये मुझे कलरफुल वाली मिल गई थी, ये तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ये वाली ली। वैसे और भी डिज़ाइन थे उसमें, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने 2 लिए हैं ये। तो इससे क्या है कि एक में मैं रखूँगी गरम मसाला, क्योंकि मुझे गरम मसाले की भी सारी डिब्बियाँ उठाने पड़ती हैं, क्योंकि किसी में काली मिर्ची है, किसी में लौंग है, किसी में दालचीनी है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, सब चीज़ों को एक ही में रख दूँगी, सारी चीज़ें मुझे एक ही में मिल जाएंगी। और एक में जो है नमक मिर्ची हल्दी धनिया वगैरह रख जाएगा, तो इसलिए मैं 2 लेकर आई हूँ। क्योंकि अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो एक ही चीज़ में, तो फिर क्यों ना दोनों चीज़ें ही, क्योंकि गरम मसालों की भी ज़रूरत रहती है सारे की, और नमक मिर्च, तो इन चीज़ों को एक ही में रखना सही रहेगा। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं बेडशीट वगैरह लेकर आई हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। और ये जो आवाज़ हो रही है वो इनाया खेल रही है, तो इनाया नीचे खेल रही है। तो जब तक मैं आप लोगों को जो है बता देती हूँ बेडशीट। तो ये मैंने बेडशीट ली है, तो ये बेडशीट है, मैंने ये कलर लिए हैं क्योंकि बच्चों के रूम में जो है कलरफुल कलर अच्छे लगते हैं प्रिंटेड वाले, और इसलिए मैंने ये कलर लिए। और ये मैं 2 एक्स्ट्रा पिलो कवर लेकर आई हूँ, इनके साथ भी पिलो कवर आया, अभी मैं खोल कर दिखा दूंगी आप लोगों को। और तो लेकिन मेरे जो है तकिए ज़्यादा हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे बेड पे जो है 6 तकिए रहते हैं, तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा में भी लेकर आई हूँ। और ये डोरमेट लेकर आई हूँ जो था, तो वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं लगाती नहीं थी, लेकिन ज़रूरत रहती है इसकी। और ये एक दस्तरखान है, क्योंकि हम पे जो है बड़े बड़े हैं, तो ये इस तरीके के छोटे आते हैं, जैसे अगर हम बेड पे खाना खाते हैं या फिर नीचे, तो छोटा भी बिछा कर खा सकते हैं, इसलिए मैं एक छोटा वाला लेकर आई हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ पर्दा, क्योंकि जो हमारा पर्दा है वो पहले वाला है, जो घर का पेंट वगैरह नहीं हुआ था उससे पहले टंगे थे वो अलग पर्दे, तो इसलिए मैं ये पर्दा लेकर आई हूँ। तो अभी मैं एक ही लेकर आई हूँ, अगर एक से कम चल जाता तो ठीक है, वरना फिर मुझे एक और लाना पड़ेगा। और ये 9 फुट वाला पर्दा है, और हाँ अगर बड़ा भी ज्यादा लगा तो भी मुझे ये चेंज करना होगा, लेकिन ये लग बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इस पे जो ये कपड़े की बनावट इस तरीके से की गई है, जैसे इस पे वर्क वगैरह हो रहा हो, और जैसे कि धागे कढ़ाई होती है उस तरीके, लेकिन ये कोई कढ़ाई नहीं है, कपड़े पे ही इस तरीके से बनाया गया दबाव देकर, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एकदम से अच्छा लग रहा है, और गोल्ड कलर भी है, और यहाँ पर वर्क वाला रेशम के धागे का वर्क वाला कपड़ा लगा हुआ है ये, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने लिया। और आपको पता है पर्दा मेरे कमरे में नहीं लगता है, मतलब बाहर की साइड लगता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये मैंने एक पर्दा लिया, और यहाँ से सोच के नहीं गई थी पर्दे की, लेकिन होता ऐसा ही है ना कि अगर हम एक चीज लेने जाते हैं तो ये मैंने आज अपने रूम के लिए लिया है सारा सामान। तो अभी मैं आपको बेड से जो है खोल के दिखा देती हूँ, और ये सबसे बड़ी वाली बेडशीट है, क्योंकि सारी रेंज जो में अलग अलग बेडशीटें आ रही थी, और रेंज भी अलग थी और लंबाई चौड़ाई भी अलग थी, तो ये मैंने सबसे बड़ी वाली बेडशीट ली है, क्योंकि अगर छोटी लेती हूँ ना तो फिर वो बेड गद्दे के नीचे जाती नहीं है, दबती नहीं है, और वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए ये इसके फ्लो कवर है ये,
और इसका जो कपड़ा है वो दूसरा फैब्रिक है, कॉटन नहीं है, जैसे खादी वाला होता है ना वो उस तरीके का मोटा वाला कपड़ा है, क्योंकि कॉटन का सिकुड़ जाता है और जो मिक्स वाला रहता है वो चादर से मर जाता है। तो ये चादर में एक फायदा ये रहता है कि एक तो ये सिकुड़ेगा नहीं, दूसरा इसका कलर भी नहीं निकलता है, और तीसरा जब हम चादर बिछा देंगे तो बिल्कुल सिमटता नहीं है। और मैं फिर इतना लंबा लेकर आई इसको बड़ा कि बिल्कुल ही मतलब गद्दों के नीचे दब जाएगा ना, तो बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। तो पहले इसको आपको लंबाई वगैरह दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज्यादा लंबा और चौड़ाई है बहुत ज्यादा। ये देखिए मेरे पैर में जब जाएगा ना तो बहुत ज्यादा इधर से उधर रहेगा, अच्छा खासा ये नीचे जा रहा है पैर से, ये देखिए। और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो आप भी बताना कि बेडशीट भी मेरी चॉइस कैसी है, क्योंकि जब हम कोई चीज लेने जाते हैं ना रूम के लिए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खरीदें और किस तरह का प्रिंट वगैरह कलर कैसा खरीदें, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बस ये मैंने ले ली है, दो बेडशीट ली हैं, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। इसमें भी जो है पिलो कवर है, देखो इस पे, और ये शॉपिंग मैंने काफी टाइम बाद की है। अच्छा लग रहा है इन्नू? इन्नू पूछ रही है कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो आप लोग बताना प्लीज कैसा लग रहा है। हाँ बिछा दे, बिछा दे मुँह, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश हो रही है ना। अच्छा, अरे वाह, बच्चों को जो है कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने ये जो कलर है प्रिंट है ये इसीलिए चूज किया है। क्योंकि जब हमारे बच्चे होते हैं ना तो हम अपने से पहले अपने बच्चों की सोचते कि बच्चों को क्या अच्छा रहे, तो इसलिए मैंने इसीलिए ऐसे प्रिंट और ऐसे कलर वगैरह लिए कि आलिया डाया को अच्छे लगे, क्योंकि ये हम लोगों का कमरा तो है लेकिन बच्चों का भी है साथ में। तो ये बस मेरी शॉपिंग है, और बस ये तो मैंने आपको बताए दिए हैं, ये मैंने ये लेकर आई हूँ मसालदानी, जिसकी आप काफी लोग मुझे बोलते थे कि आप इतना परेशान क्यों होते हो, मसालदानी ले लो मसाला, तो मैंने कुछ ले लेते हैं। और काफी बड़े इसकी डिब्बी जो आए हैं काफी बड़ी है, तो बस अब कल से जो है मैं कल से मैं इनको यूज करूंगी। और ये इसको चाहिए इन्नू को, वो सोच रही है कलरफुल चीजें मेरे खेलने के लिए, ये देखिए रसोई में यूज करने की जगह इन्नू को चाहिए ये कि मुझे खेलना है, इन्नू खिलौने कम पड़ रहे। तो इसकी जो प्राइस मैं बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 50 रुपये, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.50 की है, यानी कि ये दोनों मैं 100 रुपये में लेकर आई हूँ। और इनकी बेडशीटों की रेंज में बता देती हूँ, बताई थी हमें 750 रुपये की, लेकिन मुझे एक 600 रुपये की पड़ी है, दोनों बेडशीट है 1200 रुपये में, अगर वो 750 की देते तो मुझे 1500 की पड़ती है, तो इसलिए 300 रुपये कम हो गए। ठीक है, और ये जो है 120 रुपये की बताई थी, तो पैसे कम करवा के 100 रुपये की आई है, ये 30 रुपये का, इसमें नहीं करवाया क्योंकि
क्योंकि 30-30 रुपए में क्या पैसा कम करवाना। और ये जो पर्दा है ये बताया था उनने एक पर्दा 450 रुपए का, तो इसमें ज्यादा पैसे कम नहीं करे हैं उन्होंने, ये दिया है 400 रुपए का, सिर्फ इसमें 50 रुपए कम करे हैं। चादरों में जो बेडशीट में जो है पैसे अच्छे कम कर लिए यार। और ये जो मैं एक्स्ट्रा में लेकर आई हूँ पिलो कवर, ये दिए है 100 रुपए के, 50 रुपए का एक पिलो कवर है। तो बस ये हमारी आज की शॉपिंग है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी और मैंने सही से की है कि नहीं और सही से पैसे कम करवाए हैं कि नहीं। तो बस, और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, आ कर लेना, अल्लाह अल्लाह कर लेना, अल्लाह अल्लाह बोलना, अल्लाह 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 अल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का बटन क्लिक जरूर करना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है, व्यू कम आने का रीजन ये भी लग रहा है कि शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है सभी व्यूअर्स के पास। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, इनु बाय बाय नहीं कर रहा, हंस रहा है, हंस के बाय बाय कर रहा है।